हेलो दोस्तों, कुत्तों को इंसानों का सबसे वफादार जानवर माना जाता है। कई सदियों से कुत्ते इंसानों के साथ घुल मिलकर रह रहे हैं। यह माना जाता है कि मुसीबत पड़ने पर कुत्ता अपने मालिक के लिए जान भी कुर्बान कर देता है। साथ ही कुत्ते के पास कई खासियतें होती हैं। उनकी सूंघने की जबरदस्त क्षमता उन्हें इंसानों के लिए बहुत ही उपयोगी बनाती है। यही वजह है कि आज कुत्तों का उपयोग कई जगहों पर होता है। सेना और पुलिस भी कुत्तों का उपयोग करती है। सेना इनके जरिए छिपा कर रखे गए बमों का पता लगाती है, जिन्हें ढूंढने में कुत्ते काफी मददगार साबित होते हैं। लेकिन आपको ये खबर हिला देगी कि इंसानों की तरह ही कुत्तों की भी सेवा करने की एक उम्र होती है और उस उम्र के मुताबिक ही इनका रिटायरमेंट हो जाता है। जब इन कुत्तों का रिटायरमेंट होता है तो उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन वो कौन सी वजह है जिसके कारण कुत्तों को मार दिया जाता है, आइए जानते हैं। कुत्ते के सेना द्वारा मारे जाने से एक व्यक्ति को पीड़ा हुई और उसने यह जानने के लिए एक RTI दाखिल की, जिसमें उसने सेना द्वारा कुत्तों को मारे जाने की वजह जाननी चाही। तब RTI में उस व्यक्ति को जवाब दिया गया कि कुत्तों को मारने के पीछे असली वजह सिक्योरिटी होता है। कई कुत्ते सालों तक सेना के साथ रहकर काम करते हैं, इस कारण उन्हें सेना के हर ठिकाने का पता होता है। रिटायरमेंट के बाद अगर उन कुत्तों को यूं ही छोड़ दिया जाए तो उन कुत्तों का कोई गलत इस्तेमाल करके सेना को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन कुत्तों को एक निश्चित उम्र के बाद रिटायर कर दिया जाता है। सेना में रहने के दौरान उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। एक और जो कारण सेना ने कुत्तों को मारने के पीछे बताया है, वह है उसके स्वास्थ्य को लेकर। सेना में रहने के दौरान कुत्तों की पूरी देखभाल की जाती है, उनके खाने पीने के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार खिलाया जाता है और बीमार होने पर उनके लिए डॉक्टर्स होते हैं जो उनका उचित इलाज करते हैं। लेकिन अगर इलाज होने के बाद भी कुत्ते स्वस्थ नहीं हो पाते तो उन्हें तड़पते रहने के बजाय गोली मार दी जाती है। दोस्तों, सेना द्वारा कुत्तों को मारा जाना क्या सही है? अगर ये सही नहीं है तो कुत्तों के लिए सही तरीका क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।